हेलो ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स गट्स केयर। प्रेगनेंसी में फ्रिज का ठंडा पानी पीना चाहिए या नहीं चाहिए? फ्रिज का पानी पीने से बोला जाता है जो गर्भ में पल रहा शिशु उसको निमोनिया और अस्थमा हो जाता है, और पानी पीने से, ठंडा पानी पीने से बच्चे का हलचल में भी चेंज हो जाता है, वही सब बोला जाता है। वो कितना एक्सटेंड तक सही है, क्या ठंडा पानी पीना चाहिए या नहीं चाहिए, वही सब मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो पहले ये बात करते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको फ्रिज का ठंडा पानी पीना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आप पहले से ठंडा पानी पीते थे और आपका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता था तो आप आराम से पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और अगर आप पहले ठंडा पानी पीते थे और आपको थोड़ा सर्दी होता था, छींके आना स्टार्ट होता था और गले में इचिंग होता था, तब तो आपको नहीं पीना चाहिए। देन बात करते हैं जो बोला जाता है फ्रिज का ठंडा पानी पीने से जो बच्चा है उसको निमोनिया और अस्थमा हो जाता है। तो पहली बात यह है, जो पानी आप पी रहे हैं वो पानी आपके बॉडी से पास करता है अंदर से और वो जाता है इंटेस्टाइन को। तो पहला बात तो ये, जब पास होता है बॉडी के थ्रू तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो जो ठंडा पानी का थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, मतलब थोड़ा वो जितना ठंडा था वो थोड़ा गर्म हो जाता है। सेकंड बात ये कि वो इंटेस्टाइन में जाके पहुँचता है, ना कि यूटरस में। और बेबी कहाँ पे होता है? यूटरस में। तो इंटेस्टाइन और यूटरस में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो इसके वजह से जो आप पानी पी रहे हैं, जो भी आप खाना खाते हैं, उसका जो न्यूट्रिशन है वो सब बेबी को पहुँचता है, वो जो प्लासेंटा है उसके थ्रू डायरेक्ट बेबी के ऊपर जाके वो पानी नहीं गिरता। लेकिन जब पानी पीते हैं ठंडा पानी तो जो बच्चा है उसको थोड़ा डिफरेंट महसूस होता है, इसके वजह से बेबी क्या करता है, अगर इनएक्टिव है तो थोड़ा मूवमेंट करना स्टार्ट होता है। तो आप देखिएगा, जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, जो भी सोनोग्राफर, वो बोलते हैं जाके थोड़ा ठंडा जूस पी के आने के लिए, वॉक करके आने के लिए। क्यों? क्योंकि ठंडा जूस जब आप अचानक पीते हैं तो बेबी थोड़ा डिफरेंट महसूस करता है और इसीलिए वो मूवमेंट करता है। तो आप आराम से ठंडा पानी पी सकते हैं, लेकिन किस टाइप का पानी आपको पीना है? पहली बात, पूरा गर्म पानी और पूरा ठंडा पानी बहुत ही ख़राब है। जो एकदम पी सकते हैं हम लोग जैसे, उस टाइप का जो बोतल में आप फ्रिज में रख रहे हैं उस टाइप का पानी आप पी सकते हैं, लेकिन कभी भी पानी मिक्स करके मत पिए। गर्म पानी भी जब आप पी रहे हैं, वार्म वाटर, उसको भी आप मिक्स करके ना पिए। और उसके बाद ठंडा पानी भी जब आप पी रहे हैं, नॉर्मल वाटर और ठंडा पानी मिक्स करके ना पिए। इसीलिए इतना टेम्परेचर सेट करके रखें फ्रिज में जैसे कि आप पानी आराम से पी सकें, ज़्यादा ठंडा ना होना चाहिए और मिक्स नहीं करना चाहिए। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हाँ, जो पानी है वो एकदम प्लेन रहता है, बाहर का जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ख़राब होता है, उसमें वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, इसी की वजह से उसको नहीं पीना चाहिए। लेकिन पानी फ्रिज में रख के कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडरेट अमाउंट में पिए जो ठीक ठाक ठंडा हो। उसके बाद जो पानी आप पी रहे हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी पियेंगे तो क्या होगा, स्टोमक पेन होगा और आपको छींके आना स्टार्ट हो जाएगा और सर्दी भी लग सकता है। तो इससे क्या होगा, आपको सर्दी लगेगा, आपका तबीयत ख़राब होगा, बच्चे को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आराम से जाइए। और वैसे भी गर्मी है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत लोगों को ठंडा चीज़ खाने का बहुत क्रेविंग्स रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहले आप खाते थे कुछ नहीं होता था तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आप खाएंगे, कुछ नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।